चाणक्य एजुकेशन अकैडमी बरनाला विच तुहाडा स्वागत है। अज की वीडियो असीं तुहाडे सामने लैके आए हैं हिस्टरी, जिस विच महत्वपूर्ण जिहड़े परसन ने उन्हां दी उपाधियां ते गल करांगे, क्योंकि पेपर दे विच हर बार एक क्वेश्चन इस तरह का पुट किया जा सकता कि किस व्यक्ति नूं जिहड़ी उपाधि आ उह किस परसन वालों दित्ती गई आ। ठीक है, आम तौर पर पेपर दे विच इह क्वेश्चन हर बार पीटेट सीटेट मास्टर ग्रेड दे विच जिहड़ा सानूं देखण नूं मिलता। सो स्टार्ट करते हैं अज की वीडियो, पहला देखते हैं अज का थॉट। अज का थॉट की है? अज का थॉट आ शख्सियती परख, जिहड़ी साडी शख्सियती परख आ उह तुहाडे कपड़िआं तों नहीं कीती जांदी, सगों शख्सियती परख तुहाडी बोलबाणी तों कीती जांदी आ। सो असल दे विच की हैगा, जेकर तुहाडी बोलबाणी तुहाडा रहन सहन तुहाडा पहरावा इस नूं जिहड़ा नापिआ जांदा गा, सो कपड़िआं तों कल्ली परख आ जिहड़ी आपां उस दी शख्सियत दी व्यक्ति दी नहीं कर सकदे। ठीक है, तुहाडी बोलबाणी तुहाडा लोकां दे नाल जो मेल मिलाप गलबात रवैया उस नूं इस दे विच काउंट कीता जांदा। सो सानूं अपनी शख्सियत उच्ची रखनी चाहीदी आ, उच्ची सोच रखनी चाहीदी आ, हमेशा पॉजिटिव सोचते रहना चाहीदा है। जेंटलमैन परसन सिर्फ वो नहीं होंदे जिन्हां ने एक चंगे कपड़े सूट बूट पैंट पाई होवे, सो जेंटलमैन व्यक्ति वो होंदे आ जिहड़े समाजिक रुतबिआं दे विच रहिंदे होए एक उच्ची सोच दे मालक हुंदे ने। सो शुरू करदे आ अज दा जिहड़ा अपना टॉपिक, अज दा जिहड़ा साडा टॉपिक दस के हड़िआं तुहानूं उपाधियां नूं लै के आ। सब तो पहलां असीं देखांगे उपाधि, दूसरे नंबर ते देखांगे उपाधि प्राप्तकर्ता, अते तीजे नंबर ते देखांगे जिहड़े उपाधि किस द्वारा दित्ती गई आ। सो अज दी जिहड़ी फस्ट आपां उपाधि देखदे आ महात्मा। देखो जिहड़ी महात्मा दी उपाधि दित्ती गई आ इह असीं आम तौर ते सारे जणे जाणदे आ, महात्मा गांधी जी नूं दित्ती गई आ, महात्मा गांधी जी नूं। बट कई बारी एग्जामिनर द्वारा पुट की किया जाता किस द्वारा प्रदान की गई आ, सो रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर बंगला के जो कि प्रसिद्ध कवि हुए ने, जिन्होंने जरा राष्ट्रीय गान जन गण मन रचिया, तो उन्होंने द्वारा जी ये उपाधि आ महात्मा गांधी जी दी गई आ। नैक्सट नंबर दो देखते हैं राष्ट्रपिता, महात्मा गांधी जी राष्ट्रपिता के नाँ भी जाया जाता गा, तो राष्ट्रपिता दी उपाधि है जिहड़ी उह सुभाष चंद्र बोस द्वारा दित्ती गई है महात्मा गांधी जी नूं, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस जी अरे आपां पढ़ांगे इन्हां दा जिहड़ा मेन रोल आ उह आजाद हिंद फौज दे विच आ, जिसका गठन कैप्टन मोहन सिंह ने किया सीगा, तां उसदे इक प्रसिद्ध सेनापति रहे ने सुभाष चंद्र बोस, जिन्हां जन्म उड़ीसा के कटक के 1897 दे विच होया सीगा जी। उन्हां द्वारा महात्मा गांधी नूं कड़ी उपाधि दित्ती गई आ राष्ट्रपिता दी। नैक्सट देखते हैं जी गुरुदेव, गुरुदेव गुरुदेव असीं आम तौर पर जानते हैं रविंद्रनाथ टैगोर नूं कहा जाता जी, उपाधि दित्ती हुई आ गुरुदेव दी, तो किस द्वारा प्रदान की गई जी महात्मा गांधी जी वालों, तो महात्मा गांधी जी वालों ये उपाधि दी गई आ गुरुदेव दी। जे मैं गल कर लाँ एक बापू की जिहड़ी उपाधि भी आप महात्मा गांधी जी नूं मिली हुई आ बापू, तो वह पंडित जवाहर लाल नहरू जी ने कहा सीगा। नैक्सट आप देख लें जी अगली स्लाइड की, अगे देखो जी नैक्सट अगली हैगी सरदार की उपाधि। सरदार की उपाधि जिहड़ी मिली हुई है वल्लभ भाई पटेल जी नूं सरदार, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जिन्हां दी गुजरात के अहमदाबाद दे विच जिहड़ी वड्डी मूर्ति लगी हुई है उन्हां दी आपां गल कर रहे हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो यह आपां पिछे पोलीटिकल साइंस पढ़िया सीगा देसी रियासतां नूं भारत में मिलाउण दा जिहड़ा जिहड़ा सेरा जांदा सीगा वल्लभ भाई पटेल एंड जवाहर लाल नहरू जी नूं जांदा सी, तो इन्हां नूं जिहड़ी सरदार की उपाधि दित्ती आ उह वारदाली दीआं औरतां वल्लों दित्ती गई आ। एक आपां बारदौली अंदोलन पढ़ांगे अगे जाके, जिहड़ा बारदौली अंदोलन होया सीगा 1928 दे विच इक किसानी अंदोलन सीगा जिस विच वल्लभ भाई पटेल जी ने इस अंदोलन की अगवाई की सी, तो उत्थों दीआं औरतां ने यह उपाधि जिहड़ी अपनी दित्ती आ वल्लभ भाई पटेल जी नूं, पर प्रदान की गई आ उपाधि महात्मा गांधी जी द्वारा वल्लभ भाई पटेल नूं। ठीक है, नैक्सट आपां देख लें जी देश रतन, देश रतन काफ़ी बार पेपर च पुट किया जा रहा, देश रतन कहा जाता डॉक्टर रजिंद्र प्रसाद जी नूं, डॉक्टर रजिंद्र प्रसाद जिहड़े कि साडे देश के पहले प्रेजिडेंट होए ने। ठीक है, उन्होंने बारे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पेपर च पुट किए जाते हैं, सब तो लंबा टाइम पीरियड एंड संविधान सभा द्वारा चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति। ठीक है, तो महात्मा गांधी जी वालों इन्हों जी उपाधि दी गई आ देश रतन की, सो भी जोड़ा पॉइंट ऑफ व्यू आ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आ। नैक्सट आप देखते हैं विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद का जोड़ा आप नाम आम तौर पर सुनते हैं जी स्वामी विवेकानंद, तो जी विवेकानंद की उपाधि मिली हुई सी इन्हों
विवेकानंद की उपाधि जी मिली आ महाराजा खेतड़ी द्वारा प्रदान की गई है, क्योंकि जोड़ा स्वामी विवेकानंद जी का कई बार सूँ मुढ़ला नाम पुट किया जा सकता पेपर के नारायण दत्त, ठीक है, इन्हों का नाम सगा नारायण दत्त, ठीक है। राम कृष्ण मिशन जो 1897 काफ़ी इन्हों का योगदान रहा गा, ठीक है। आप अगे जाके इस एक्सप्लेन करा जी। नैक्सट आप देख लें जी अगलिया, अगे हैगा जी राजा की उपाधि। राजा की उपाधि तो ये आम तौर पर सारे जानते हैं कि राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय जिन्होंने पुनर्जागरण का पिता भी कहा जाता गा, राजा राम मोहन राय जिन्हों का एक क्वेश्चन होर भी पुट किया जा सकता सानू, जिहड़ा लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने इन्हां दी मदद 1829 दे विच सती प्रथा ते रोक लाई सी, काफ़ी ज़्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ, वह भी पेपर आम तौर पर पुट किया जा सकता गा। तो इन्हां नूं जिहड़ी उपाधि दित्ती आ राजा की तो अकबर दूजे ने दित्ती आ। देखो जिहड़ा मुगलों दे विच आपां एक अकबर पढ़ते हैं जिन्हों का समा 556 तो लैके जिहड़ा काफ़ी लंबा समा जिहड़ा रहा 1605 तक अकबर, तो दूसरा अकबर सैकंड, ये आपां गल कर रहे हैं इत्थे अकबर दूजे की जिन्हों समा 1803 तो लैके 1837 तक का रहा, उन्होंने जिहड़ी उपाधि दित्ती सीगी राजा राम मोहन राय बन गया सी, कित्थों मोहन राय तो पहले इहदा नाम सीगा मोहन राय, ठीक है। तो इंग्लैंड दे विच गए सी जिथे इंग्लैंड दे विच इन्हां दी मौत आ जिहड़ी उह इंग्लैंड दे विच होई सी, ठीक है। नैक्सट आपां देखदे हां जगत गुरु, जगत गुरु की जिहड़ी उपाधि मिली हुई आ, ठीक है, ये मिली हुई आ हरी विजय सूरी नूं, हरी विजय सूरी नूं ये दित्ती गई अकबर द्वारा, क्योंकि इत्थे भी अकबर की आपां गल करदे हां इत्थे भी, बट इत्थे अकबर फस्ट इत्थे अकबर सैकंड, ठीक है, ये आपां गल थोड़ी जी ध्यान दे विच रखनी है जी। नैक्सट आपां देखदे हां जी कंठ भरण वनी, ठीक है, कंठ भरण वाणी जिहड़ी उपाधि मिली हुई सी तानसेन नूं, तानसेन, तानसेन जे आपां गल कर लईए अकबर के नौ रत्नां दे विचों एक तानसेन सीगा जिहड़ा उहनां दा एक संगीतकार सीगा, ठीक है। इन्हां बारे आपां नौ रत्नां नूं जदों एक्सप्लेन करांगे तां उत्थे इन्हां बारे आपां सारी डिटेल आ जिहड़ी उत्थे पढ़ांगे। तां इह जिहड़ी उपाधि मिली दी आ इह दित्ती सी इन्हां नूं अकबर ने, अकबर जिहना समा 1556 तो लैके 1605 तक रहा सीगा, ठीक है। अकबर ने उपाधि दित्ती सी कंठ भरण वाणी की किहनूं जी तानसेन नूं, काफ़ी ज़्यादा इंपोर्टेंट पॉइंट है जी, तुसीं याद रख सकते हो। नैक्सट चलदे हां जी अगे, अगला जिहड़ा हैगा जी कायदे आजम। देखो जी कायदे आजम जिहड़ी उपाधि मिली हुई आ आम तौर पर सारे जानते हैं कायदे आजम मुहम्मद अली जिनाह नूं उपाधि मिली हुई है कायदे आजम, पर इत्थे थोड़ा जिहा कई बार स्टूडेंट्स थोड़ी जी मिस्टेक कर देंदे आ, एक आपां कायदे आजम आ एक शहीदे आजम, शहीदे आजम असी भगत सिंह नूं जी उपाधि दित्ती हुई है शहीदे आजम, इत्थे की आ कायदे आजम, सो इस करके मिसटेक तुसीं नहीं करनी। कायदे आजम मुहम्मद अली जिनाह नूं कहिंदे कहा सीगा जी महात्मा गांधी द्वारा जिहड़ी उपाधि प्रदान की गई है। नैक्सट आपां देखदे हां जी अर्धनंगा फकीर, अर्धनंगा फकीर जिहड़ी उपाधि आ महात्मा गांधी नूं मिली हुई आ विस्टन चर्चल द्वारा दित्ती गई आ, इंग्लैंड का प्रधानमंत्री सी विस्टन चर्चल, ठीक है, उन्हां द्वारा जिहड़ी उपाधि प्रदान की गई आ महात्मा गांधी जी नूं। अगला जिहड़ा हैगा नेता जी की उपाधि, आम तौर पर सारे जानते हैं नेता जी, नेता जी सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस नूं ये उपाधि किहनां दित्ती आ अडोल्फ हिटलर ने, हिटलर, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस सी वो अपना जापान की मदद नाल देश नूं आज़ाद कराना चाहते सी, ठीक है, तो वह जर्मनी दे विच हिटलर नूं भी मिले ने, तो हिटलर ने इन्हां नूं की नेता जी कह के जिहड़ा सन्मानित किया गा, तो काफ़ी इंपोर्टेंट उपाधि आ। इन्हां दे काफ़ी नारे भी जिहड़े एक जय हिंद पेपर च पुट किया जाता, एक तुसी मैनू खून दिओ मैं तुहानू आजादी देवांगा जो कि इन्होंने सिंगापुर के दिता सीगा, तो यह भी इहदे क्वेश्चन बनते हैं आप अगे जाके वीडियो दे विच करांगे। नैक्सट देखते हैं जी अगे, अगला जी देखो जी नैक्सट की आ केसरे हिंद, केसरे हिंद, केसरे हिंद जिहड़ी उपाधि दित्ती है जी महात्मा गांधी जी नूं उह दित्ती आ अंग्रेजी सरकार द्वारा, केसरे हिंद की उपाधि जिहड़ी महात्मा गांधी जी नूं मिली हुई सी उह अंग्रेजी सरकार द्वारा प्रदान की गई सी। नैक्सट हैगी आ सर, सर का खिताब दिता सी रविंद्र नाथ टैगोर नूं, रविंद्र नाथ टैगोर नूं सर का खिताब दिता सी, तां उह खिताब उन्होंने तुसीं कई बारी पुछया भी जांदा गा, ठीक है, तो भी कदों वापस करता सी जदों 1919 दे विच जलियांवाले बाग की घटना वापरी आ, तां उन्होंने गुस्से दे विच विरोध दे विच अंग्रेज़ां दा इह सन्मान आ जिहड़ा वापस करता सी, ते महात्मा गांधी ने केसरे हिंदी उपाधि भी अंग्रेजी सरकार की वापस कर दिती सी, ठीक है। इत्थे जमन लाल बजाज सी जिहड़ा इसनों जी उपाधि दिती हुई सी इहनू राय बहादुर की,
तो इसने भी अपनी जी राय बहादुर की पदवी जल्लियांवाले बाग की घटना के दौरान ठीक है वह वापस कर दी सी। यह आपादी भी इसनों अंग्रेजी सरकार द्वारा प्रदान की गई सी। राय बहादुर काफ़ी ज़्यादा इंपोर्टेंट आ। राय बहादुर की उपाधि किसने दी गई सी? जमलाल वजाज ने जी। ठीक है, नैक्सट आप देखते हैं जी अगे। अगला जो है पील बख्स, तुसी एक दिल्ली सल्तनत टॉपिक पढ़ते हैं आप, जिहड़ा दिल्ली सल्तनत जिहड़ा समा सी 1206 तो 1526 तक का जिहड़ा समा सी दिल्ली सल्तनत का काफ़ी लंबा चौड़ा, जिसके पांच राजवंशां ने राज कीता सीगा। ठीक है, जिहड़े आप दिल्ली सल्तनत दे विच पढ़ांगे तां इत्थे एक उपाधि पुट की जाती है कुतुबद्दीन ऐबक की। तां मेन जिहड़ी उपाधि आ एक तां इत्थे जिहड़ी पेपर च तुहानूं पुट की जा सकती आ कुरान खवां ते एक लखदाता, ये ज़्यादा इंपोर्टेंट है यानी कि। पर इत्थे जिहड़ा पील बख्श की उपाधि मिली हुई आ ये भी कुतुबद्दीन ऐबक नूं मिली हुई सी। कुतुबद्दीन ऐबक जिसने 1206 तो लैके 1210 तक ठीक है समा जिहड़ा 1210 तक इत्थे दिल्ली सल्तनत दे विच अपना दास वंश का मोढ़ी सी, तां इसने राज कीता सी। उस तों बाद इसदा पुत्र आराम शाह गद्दी ते बैठा सीगा। तां उही कुतुबद्दीन ऐबक जिसने 1206 तो लैके 1210 तक राज कीता, इसनूं कहिड़ियां-कहिड़ियां उपाधियां दित्तियां गईआं सी? पील बख्श नंबर दो ते लखदाता। लखदाता तो भाव की सी लखां दा दान देण वाला। ठीक है, इस करके इसनूं लखदाता ते नां नाल भी जाणिआ जांदा। नैक्सट है गिआ कुरान खवां, इसनूं इक उपाधि मिली हुई सी कुरान खवां। क्यों दित्ती हुई सी? क्योंकि इसने छोटी ही उम्र दे विच काफ़ी ज़्यादा जिहड़ी कुरान दे विच महारत हासिल कर ली सी, कुरान पढ़ना सीख लिया सीगा। तो इस करके इहदियां उपाधियां ने तीन जिहड़ियां पेपर च पुट कीतियां जा सकदियां ने जी। नैक्सट आपां देखदे हां जी अगे अगे कुछ बाबर दियां उपाधियां ने। बाबर नूं एक गाजी की उपाधि पेपर च पुट की जा सकदी आ तुहानूं, वी बाबर नूं जिहड़ी गाजी की उपाधि उह किहड़ी जित दौरान मिली आ। देखो ये जिहड़ी इहनूं मिली सी उपाधि जदों इसने खनवा की जित जीती आ। ठीक है, खनवा खनवा की जित तों बाद इसनूं जिहड़ी उपाधि दी गई आ अपनी गाजी की। तो उस तों बाद एक इहदी उपाधि होर आ गई कलंदर। कई बार पेपर च पुट किया जाता भी कलंदर की उपाधि नाल किसनूं सम्मानित किया गया? तो बाबर नूं। जदों पानीपत की पहली जिहड़ी लड़ाई 21 अप्रैल 1526 दे विच होई आ तां इसने जित की खुशी दे विच कावल दे विच लोगों नूं एक एक चांदी का सिक्का वंडिया, जिसके उपरंत उत्थों की जनता ने इसनूं की कहा? कलंदर। ठीक है, तो इत्थे तुहानूं कई बार पेपर के बाबर दीआं जिहड़ियां लड़ाइयां का क्रम भी पुछया जा सकदा। जिस तरह मैं तुहानूं एक ट्रिक दस दिना छोटा जिहा, जेकर तुहानूं कोई पुट किया जाता। देखो पानीपत दी आपां जे आपां गल कर लईए इत्थे जिहड़ा आपां गल करदे आं लड़ाइयां इस दीआं, तां 1526 तो लैके दीआं आपां इस तरह लिखांगे 1526 27 28 29 ते 30, इस तरह आपां याद रखांगे। तां देखो इहनां दा ट्रिक है, एक बाबर का जिहड़ा समा कित्थों शुरू हुंदा? 1526 तो जी। ठीक है, 30 दे विच इहदा जिहड़ी मौत हो जाती है, तो इस करके 26 तो लैके 1530 तक आपां इहनूं पहलां राइट कर लेंगे। तो उस तों बाद आपां की लिखांगे? इत्थे एक ट्रिक लिखांगे अपना पखा चला गर्मी, पखा चला गर्मी। ठीक है, इस तरह आपां एक ट्रिक लिखांगे। तो इत्थे जिहड़े सारियां लड़ाइयां का क्रम आ, जिस तरह 1526 दे विच इहने पानीपत का जिहड़ा युद्ध सी उह जित्तिया सी 21 अप्रैल 1526 वाला जी। नैक्सट की लड़ाई आ जाती है जी 1527 खनवा का युद्ध, जिहड़ी मैं तुहानूं गल कर रहा भी जिहड़ी इहनूं उपाधि मिली सी गाजी की तो खनवा की जित दे विच दित्ती गई सी। ठीक है, जां आपां इत्थे एक ट्रिक होर याद रख सकते हैं, गाजी खा गाजी खा। ठीक है, आपां कहिंदे गाजी, ठीक है, जिस नाल पुराने समें फट्टियां पोचियां जांदियां सी, गाजी खा तो खनवा खनवा की जित इहनूं गाजी की उपाधि दित्ती गई सी। चला तो जिहड़ा हैगा इक चंदेरी की लड़ाई, तो इस चंदेरी की लड़ाई जी हुई सी 1528 दे विच हुई आ। ठीक है, घर तो हैगा घाघरा की लड़ाई, ठीक है, तो घाघरा की लड़ाई जी हुई सी 1529 दे विच, ते इस दे विच मेन तो आप लावांगे मौत। ठीक है, 1530 दे विच बाबा की मौत हो जाती है। ठीक है, तो अगे आप एक्सप्लेन भी करांगे क्योंकि जिहड़ा पानीपत का पहला युद्ध होया सी बाबर ते इब्राहिम लोधी के दरमियान होया सीगा। ठीक है, सैकंड जिहड़ा खनवा का होया सीगा राणा सांगा ते बाबर दे विच होया सीगा। चंदेरी मेदनी नौ राज जी लड़ाई हुई सी। ठीक है, इतने जो 1529 के अफगाना का जो महमूद लोधी से उस लड़ाई हुई सी। सो कहन का भाव कि यह अज दिन जो कुछ उपाधियां से इंपोर्टेंट जोड़िया से पेपर के पक्षों की तरह काफ़ी ज़्यादा इंपोर्टेंट टॉपिक आ, हर बार पेपर के इतों एक अद्धा क्वेश्चन जो थोड़ा बनता रहा गा। सो इस करके वीडियो ध्यान देख के इसमें याद करने की जी कोशिश करो। सो मिलते हैं अगली वीडियो, थैंक यू वेरी मच। जेकर वीडियो वधिया लगी तो चैनल नूं सब्सक्राइब करो, शेयर करो ते लाइक करो। सो थैंक यू वेरी मच।